हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ प्रेस्टीज का आयरिस 750 वॉट मिक्सर ग्राइंडर विथ 3 स्टेनलेस स्टील जार और एक जूसर। वाइट एंड ब्लू कलर का जो ये ABS प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है और इसका जो मार्क प्राइस है जो उस पर 4495 रुपीस, और जो डील के बाद जो प्राइस था वो था 2799 रुपीस। तो इंडियन रुपीस में ये इतने में मिलेगा और इसका जो वॉटेज है वो 750 है और वोल्टेज जो है इसका वो 230 है और इसका रिवोल्यूशन जो है वो 20,000 RPM में मेज़र किया जाता है। तो जो इसमें जार्स हैं वो टोटल 4 जार्स हैं और जार का साइज़ जो है वो 1.5 लीटर है। जूसर का जो जार है वो 1.5 लीटर है और ड्राई ग्राइंडिंग जार जो है वो भी वो लगभग 1 लीटर के बराबर है और चटनी का जो जार है वो 300 मिलीलीटर का है। तो जार मटेरियल जैसे कि आप सबको बताया मैंने, ये स्टेनलेस स्टील का है और जो जूस जार है वो है पॉलीकार्बोनेट का। तो बॉडी मटेरियल जो है वो ABS प्लास्टिक कोड मटेरियल है और PVC वाला जो है ये, तो कॉपर वायर से भी इसका पूरा अच्छे से वायरिंग किया हुआ है और ब्लेड मटेरियल जो है वो है स्टेनलेस स्टील का और स्पीड कंट्रोल जो है वो 3 स्पीड कंट्रोल इसमें है। मोटर की जो वारंटी है वो 2 साल की है और प्रोडक्ट की वारंटी जो है वो भी 2 साल की है और ये जो ऑपरेटिंग नॉइस लेवल जो होता है वो 80-90 dB में इसे मेज़र किया जाता है और इसका जो बर्निंग स्मेल होता है वो इसमें जनरली नहीं आता है, इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि इसमें बर्निंग स्मेल आएगा। और जार की सेफ्टी लॉक जो है वो बहुत अच्छे से दी गई है जिसके कारण जब भी आप कुछ इसमें ग्राइंड करते हैं तो वो ऐसे ही बाहर नहीं जाता है। तो सेफ्टी जार लॉक जो है वो बहुत ही अच्छा है इसका, इस प्रोडक्ट का, क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को अच्छे से लॉक करके और इसे ग्राइंडिंग जार पे डालते हैं तो वो बाहर से लीक नहीं करता है। और बोला जाता है इसमें कि 5 मिनट से ज़्यादा इसे कंटिन्यूसली ग्राइंड नहीं करना चाहिए, गैप ले लेना चाहिए 2-2 मिनट का जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा देर तक ग्राइंड करना है तो भी आप वेट कर लीजिए, 2 मिनट ग्राइंड कीजिए फिर वेट कर लीजिए। तो ओवरलोड का प्रोटेक्शन भी है यहाँ पे जो कि नीचे में दिया हुआ था, जो कट ऑफ स्विच है, जो कि क्या होगा कि अगर ओवरलोड हो जाता है तो वो अपने आप से कट ऑफ स्विच जो है वो ऑन हो जाता है और वो इंडिकेट कर देता है। और इसका ब्लेड जो है वो सुपर इफिशियंट ब्लेड है और स्टेनलेस स्टील जार है जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें ये जंग ये सब लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट का इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि अगर आपको टफ ग्राइंडिंग करना है जैसे कि कोई मसाला पीसना है या फिर टर्मरिक या फिर इडली बैटर ये सब आपको बनाना है तो उसका वॉटेज रेटिंग जो है 750 वॉट और मोर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये सेफ है, यानी कि यहाँ पे इससे हो सकता है। और जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो मोटर को कूल करने का टाइम भी दीजिए प्रोडक्ट को, तो बीच बीच में मोटर को कूल अप करने का टाइम दीजिए और इसे आप ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ मोटर है वो आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट फ्यू यूजेस में अगर यूजेस में आपको यहाँ पे बर्निंग स्मेल आता है तो अगर पहले कुछ फ्यू यूजेस में यहाँ पे बर्निंग स्मेल आता है तो वो बोला जाता है कि वर्निश कोटिंग के कारण आ रहा है, तो मोटर जो है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो
तो यूज ए साइकिल के आफ्टर ही अपने आप से ये बंद कर लेता है। तो मुझे इस प्रोडक्ट का सबसे खास जो बात है वो लगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें मुझे जूसर भी मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा जूसर जो होता है वो उसे आप एक बार जूस निकालिए उसके बाद उसे धोने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है जूसर में कि मुझे वो बहुत ज़्यादा लेंथी लगता है जूसर में जूस निकालना। तो पहले तो मैं ग्राइंडर जार में ही डायरेक्ट पीस के जूस निकाल लेती थी, लेकिन यहाँ पे जो वायर का मेस दिया हुआ है इसके अंदर तो वो बहुत हेल्पफुल लगा मुझे, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई सीड वाला फल है जिसका आपको जूस निकालना है तो वो मेस के थ्रू सीड जो है वो अंदर ही रह जाएगा और जूस जो है वो बाहर आ जाएगा और लिक्विड को आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको रेफ़र करूँगी, अगर मौसमी का जूस निकालना है तो आप डिसीड करके ही निकालिए, यानी कि सीड्स को हटा के ही आप यूज़ कीजिए, क्योंकि वो कड़वा सा स्मेल आ जाता है और टेस्ट उसका बहुत बेकार हो जाता है। इसलिए बेस्ट रहेगा वैसा कीजिए, क्योंकि अगर आप जूसर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको वो प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा और बाकी सारे फल फ्रूट सब्जियों का इसमें आराम से निकल जाएगा जूस, बहुत अच्छा रहता है ये। तो होप दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।